हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल विराज पूजा ब्लॉग्स। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है ग्राइप वाटर। क्या हम प्री मेच्योर बेबी को ग्राइप वाटर पिला सकते हैं? अगर हम पिला सकते हैं तो कब से ग्राइप वाटर देना शुरू कर सकते हैं और ग्राइप वाटर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो आज हम इस तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, क्या हम प्री मेच्योर बेबी को ग्राइप वाटर पिला सकते हैं? हाँ, आप अपने प्री मेच्योर बेबी को ग्राइप वाटर पिला सकते हैं, लेकिन उसका एक सही समय आना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि घर ले लाए और अपने बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाना शुरू कर दिया। मैंने भी अपनी नीनू को ग्राइप वाटर पिलाया था और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपने प्री मेच्योर बेबी को ग्राइप वाटर पिला सकते हैं। लेकिन बेसिकली प्री मेच्योर बेबी जो होता है वो जन्म से पहले पैदा होता है, वो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो जब आपका बेबी अपने एक्चुअल बर्थ, उसका जो एज है, एक्चुअल एज अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो, तब से आप अपने बेबी को ग्राइप वाटर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मैं ले कर बताती हूँ, अगर आपका बेबी 2 मंथ पहले पैदा हुआ है, अपने एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से 2 मंथ पहले पैदा हुआ है, तो आप ग्राइप वाटर देना तब शुरू करेंगे जब आपका बेबी 3 मंथ का हो जाएगा। वो 3 मंथ का है यानी कि वो 1 मंथ का है, क्योंकि 2 मंथ पहले ही पैदा हुआ है। तो 3 मंथ के बाद आप 4th मंथ से अपनी बेबी को ग्राइप वाटर देना शुरू कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने बेबी का एज कैलकुलेट करके, जब उसका एक्चुअल एज जो है वो 1 मंथ हो जाए, उसके बाद से ही आप ग्राइप वाटर देना शुरू करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से एज कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपका बेबी कितने मंथ पहले पैदा हुआ है, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगी कि आप कब से अपने बेबी को ग्राइप वाटर दे सकते हैं। मैंने अपनी नीनू को भी ग्राइप वाटर दिया था और ये बहुत ही सेफ होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो हम किन किन प्रॉब्लम्स में ग्राइप वाटर को दे सकते हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपका बेबी पैदा होता है तो उसका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, बहुत कमज़ोर होता है। और प्री मेच्योर बेबी हैं तो उनका तो और भी ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि उनके तो बॉडी के सारे पार्ट्स अच्छे से बने भी नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे ग्रोथ होते जाता है धीरे धीरे। तो जब आपका बेबी 1 मंथ का हो जाता है, मैं एक्चुअल एज की बात कर रही हूँ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा 1 मंथ में एक्चुअल एज की बात कर रही हूँ। अगर आपका बेबी 1 मंथ तक, तो उसका पाचन तंत्र बनने में ही लगता है, उसके बाद भी बेबी को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि उन हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ माएँ होती हैं जो अपने खाने में बहुत कंट्रोल रखती हैं, कुछ माएँ होती हैं जो अपने खाने में कंट्रोल नहीं रख पाती हैं, वो कुछ भी खा देती हैं, जिसकी वजह से बेबी को पेट में एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, उन्हें पेट में दर्द होती है, ऐठन होती है। तो ऐसे में आप बेबी को ग्राइप वाटर दे सकते हैं। ग्राइप वाटर देने का सही समय है उससे दूध पिलाने के आधे घंटे बाद, आधे घंटे बच्चे को दूध को पचाने में लग जाता है, उसके बाद आप उसे ग्राइप वाटर पिला दें, जिससे अगर बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, आइदर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हो बेबी या गैस की प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो दूर हो जाएगी। कभी कभी जो बच्चे होते हैं 1.5 से 2 महीने में ही, बच्चे इसी एज में बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे अचानक से बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, और चाहे आप कुछ भी कर लें बच्चे रोना कम ही नहीं करते हैं, वो रोते जाते हैं रोते जाते हैं रोते जाते हैं, आप झूला झूलाएं कुछ भी करें और आपको बच्चे की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है कि आखिर इसे हुआ क्या। तो आप इस प्रॉब्लम में भी अपने बच्चे को ग्राइप वाटर दे सकती हैं। देखिएगा, ये नुस्खा बहुत काम आता है, आप ग्राइप वाटर दे के देखिएगा, बच्चा रोना कम कर देगा 5 से 10 मिनट में। ग्राइप वाटर की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिली हैं और सौंफ मिले हैं जो बच्चे को कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चे को ग्राइप वाटर दे सकते हैं। और ये गैस, एसिडिटी, पेट में ऐठन, ये सारी प्रॉब्लम्स को ग्राइप वाटर पीने से दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।